तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी की जो कुडला वाली ऐप होती है दोस्तों, उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है नैव स्टार, या भी बोलते हैं नेविगेशन स्टार करके। तो उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट्स के साथ क्या नए चेंजेस किए गए उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको गुडलक के एक ऐप के मॉड्यूल के अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल की गुडलक वाली ऐप में चले जाना है। यहाँ पर नैव स्टार वाली ऐप में चले जाना है। जैसे ही आप नैव स्टार वाली ऐप में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल है। व्हाट्स न्यू में जाएंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी क्या क्या नए चेंजेस किए गए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है फिक्स सर्वर बग्स कॉजिंग प्रॉब्लम यूजिंग द डिवाइस। कुछ जो बग्स होंगे कॉजिंग प्रॉब्लम थी उनको यहाँ पर रेक्टिफाई कर दिया गया है। नीचे की तरफ आएंगे तो इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है, 16 अगस्त 2023 को इस अपडेट को रोल आउट किया गया है, जिसका अपडेट वर्जन 5.2.0.450। अब यहां पर कर लेते हैं इसको अपडेट। अपडेट होने के बाद देखते हैं कि क्या क्या अपन इसमें कर सकते हैं और क्या क्या इससे होता है। फाइनली दोस्तों ये हो चुकी है अपडेट, फाइनली ये ऐप हो चुकी है अपडेट। अपडेट करने के बाद वापस आपको यहां बैक आ जाना है और यहां पर आ जाना है गुडलक वाली ऐप में। तो ये नैव स्टार जो ऐप है ये काम क्या करता है, जैसा कि इसका नाम है, नाम के हिसाब से आप समझ सकते हैं, ये यहां पर नेविगेशन के लिए काम करता है। ये यहां पर आपको स्वाइप नेविगेशन पे भी काम करेगा और बटन नेविगेशन पे भी काम करेगा। अगर आप स्वाइप पे जाएंगे, जैसे कि मैंने स्वाइप पे लगा के रखा है, तो ट्रांसपेरेंट हिंट्स चाहते हैं तो आपको हिंट्स दिखा देगा नीचे की तरफ, नहीं तो वो ऑफ कर देगा। अगर आप हिंट नहीं चाहते तो हिंट हटा देगा। तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा अलाउ बैक गेजर इन फुल स्क्रीन, ये चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं। जो सेंसर होता है उसके सेंसिटिविटी को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट साइड दोनों जगह आप उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर हैंडल जो गैजर है उसकी हैंडल को विथ की भी आप यहाँ पर स्क्रीन कर सकते हो, उसका भी ट्रांसपेरेंसी को आप यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। और चाहें तो यहाँ पर आप रिमूव सबको रीसेट भी कर सकते हैं। मेन है इसका बटन वाला ऑप्शन। जैसे ही आप यहाँ बटन पर ऑन करेंगे, बटन पे ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर बटन्स मिल जाएंगे प्री डिफाइंड, इतने सारे। आप कोई सा भी डिज़ाइन अपने बटन का ले सकते हैं और वो डिज़ाइन आपको वहाँ पर नीचे मिल जाएगा। नया बनाना हो तो न्यू कॉन्फ़िगरेशन करके आप बटन भी यहाँ पर अपना बना सकते हैं। ऐसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो आपको शो एंड हाइट बटन वाला ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा कि आपको हाइट करना है तो यहाँ पर डॉट बना रहा है तो उसको हाइट कर सकते हैं, डबल टैप करेंगे तो हाइट हो जाएगा, डबल टैप करेंगे तो चालू हो जाएगा, डबल टैप करेंगे तो वो चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर कस्टमाइज नेविगेशन बार हाइट को भी, बार की हाइट को भी यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा हो कितना कम हो। तो आप यहाँ पर उसको भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा हो कितना कम हो, वो भी यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ होता है नेविगेशन स्टार जो काम करता है, ये अपने नेविगेशन से रिलेटेड जो भी ऐप्स होती हैं उनको काम उनको हेल्प करता है उनको अच्छे से वर्क करने के लिए। अगर इसमें कुछ बक्सेस होंगे तो वो यहाँ पर फिक्स आउट कर दिए गए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उसमें उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। और हो सके तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।